भाई गलती से भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग चूज मत करना। ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं इंटरनेट के वो कमेंट्स, वो रिव्यूज़ जिनके अंदर ये कहा गया है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को चूज़ करना या कोर्स को ज्वाइन करना वर्थ इट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये कोर्स जो है या फील्ड इतनी ज़्यादा अंडररेटेड क्यों है, क्यों इसके ऊपर इतना कहा जाता है कि इस फील्ड को चूज मत करो। मैक्सिमम कमेंट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनके अंदर नेगेटिव कमेंट्स ही हैं। अगर आपका प्लानिंग भी हो रहा है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को चूज करने का या इस फील्ड के बारे में जानने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित शर्मा एंड मैं एज ए ट्रेनर एंड करियर कोच प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस चैनल के ऊपर बात करते हैं हम करियर कोर्सेज और कॉलेजेस की, और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग क्यों इतनी ज़्यादा अंडररेटेड है। पहला रीज़न तो आपका ये होगा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का अंडररेटेड होने का कि इस फील्ड को बहुत कम लोग जानते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की। रीज़न इसका ये भी है कि लोगों को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स फील्ड के बारे में पता भी नहीं है और ये दिखते भी नहीं हैं। आप जब भी एरोप्लेन्स के बारे में सोचते हैं तो आपको एरोप्लेन दिखता है तो आप उसको समझते हैं, आपको पायलट्स दिखते हैं, आपको ये पता है कि एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए पायलट्स या कैप्टन्स का ज़रूरत होता है तो वो आपको दिखते हैं तो उस चीज़ को आप समझते हैं, एंड कैबिन क्रूज होते हैं तो उनको आप समझते हैं। लेकिन जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स होते हैं ये बैक एंड के अंदर काम करते हैं। बैक एंड मेरा बोलने का मतलब कि ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, जब जहाज लैंडेड होता है उस टाइम पे ये काम करते हैं एयरक्राफ्ट की इंस्पेक्शन रिपेयर वगैरह का सारा, ठीक है। तो उसकी वजह से लोगों को इस फील्ड के बारे में पता ही नहीं है कि एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस कौन करते हैं, और स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं जिनके सिग्नेचर के बिना जो है एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई नहीं करता है। इवन फिट फॉर फ्लाई का सर्टिफिकेट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स ही देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जब भी हम इस फील्ड के बारे में सोचते हैं करने का, तो लोगों के माइंड में ये आता है कि नई फील्ड है ये, पता नहीं इसके अंदर करियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी इस फील्ड के अंदर थोड़ा सा फ्लो कम है। सेकेंड पॉइंट हम इसके लेते हैं हाई पासिंग परसेंटेज। देखिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, दो टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, एक कैंपस एग्जामिनेशन होते हैं और दूसरे DGCA कंडक्ट करता है। तो DGCA एग्जामिनेशन जो है वो बोलने को तो 10 या 11 ही होते हैं, लेकिन वो 10-11 ही बस करवा देते हैं। रीज़न क्या है? हाई पासिंग परसेंटेज। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के जो DGCA मॉड्यूल्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए। 75% आपके मार्क्स आएंगे इंडिविजुअल अलग अलग मॉड्यूल के अंदर, तभी आप जो है उसके अंदर पास होंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ता है। बाकी कोर्स इस तरह नहीं मान सकते कि आप अगर एग्जाम्स के टाइम भी पढ़ेंगे तब तो भी वो एग्जाम्स निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर स्टडी जो है रेगुलर करनी पड़ती है। इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे इसको मना करते हैं कि इस कोर्स को मत करो, क्योंकि आपको स्टडी आज बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं इस फील्ड के अंदर। इसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि इस फील्ड के अंदर जो है बहुत लंबे लंबे स्टडी आज आपको देने होते हैं। जैसे पिछले पॉइंट में आपसे बात किया कि अगर आप ये सोचो कि एकदम से एग्ज़ाम्स के टाइम पे पढ़ के एग्जामिनेशन निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है, आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ता है। साथ में आपको अपने कंप्लीट होने के बाद भी आपको रेगुलर स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, रेगुलर अपने आपको फ़िट रखना पड़ता है, मेडिकली आप फ़िट रहने चाहिए इस फील्ड के अंदर। साथ में जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनके ऊपर रेगुलर मतलब आपको स्टडी रखना ही होता है। लॉन्ग स्टडी टाइम बोलने का मतलब मेरा ये भी है कि ये फील्ड आपका कम से कम 6 से 7 साल लेगी ही लेगी आपको सही से सेटल करने में। अगर आप ये सोचो कि 4 साल के बाद आप इजीली सेटल हो जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको इनिशियली थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस फील्ड को, तब जा करके आप अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं। मतलब मिनिमम 7 से 8 साल, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ 7 से 8 साल आपके लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसके अंदर लिमिटेड स्कोप। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे रिव्यूज़ के अंदर ये लिखा हुआ है कि इस फील्ड का स्कोप जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इस फील्ड के अंदर क्या है कि अगर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करते हैं तो आपका जो जॉब रहेगा वो एयरक्राफ्ट्स के ऊपर ही रहेगा, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर रहेगा, एयरपोर्ट्स MROs के अंदर ही रहेगा। अगर आप ये बोलेंगे इसके कोई आपके ग्रेजुएशन के बेस पे, अगर ग्रेजुएशन तो ये होती नहीं है तो आपको ग्रेजुएशन अलग से करना होता है। तो अगर सिंपल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का ही बात करें तो उसके अंदर आपका थोड़ा सा स्कोप लिमिटेड हो जाता है, लेकिन इस लाइन के अंदर भी आगे जो है प्रमोशंस रहते हैं, आप आगे अच्छा काम कर सकते हैं अगर इसी लाइन के अंदर करना है। नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग या इस फील्ड को बिना इंटरेस्ट के चूज़ करते हैं, अब बिना इंटरेस्ट का मेरा बोलने का मतलब कि कई बार होता है कि जब भी आपको इस फील्ड के बारे में बताया जाता है तो एकदम से अट्रैक्शन अंदर से आती है और प्लेन्स दिखते हैं, उनके मेंटेनेंस के ऊपर सोचते हैं कि हाँ मेंटेनेंस करेंगे इस फील्ड के, मैं
लाखों रुपए हैं इस फील्ड के अंदर और बहुत ही बढ़िया जॉब रहेगी आपकी, तो उस वजह से एकदम से जो है अट्रैक्शन इस फील्ड के बारे में हो जाता है और चूज़ कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही इसको चूज़ करते हैं, करना शुरू करते हैं, तो पता लगता है कॉलेज के अंदर जा करके जब इसका स्टडी शुरू करते हैं तो ये चीज़ें तो कुछ और ही हैं जो हमने सोची थी। और मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो मेरा इस पॉइंट को कवर करने का मतलब ये है कि अगर आप इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो पहले इस फील्ड को अच्छे तरीके से समझो। इस फील्ड के अंदर एडजस्ट होने में आपको कितना टाइम लगेगा, क्या आप उतना टाइम देने के लिए रेडी हैं, जो स्टडी आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो आप देने के लिए रेडी हैं, तभी आप इस फील्ड को चूज़ करें। अदरवाइज तो मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आप इस फील्ड को अच्छे से जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो इस फील्ड को चूज़ मत करो। अगर आप भी चाहते हो कि इस फील्ड के बारे में और जानकारी लेनी है, अच्छे से समझ रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे, इनके थ्रू आप हमारे साथ बात भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने इसके अंदर कवर किया है, इसको बोनस पॉइंट भी मान सकते हो, कि कॉलेजेस का काउंसलिंग। देखिए कॉलेजेस जो हैं एडमिशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को ऐसे सपने दिखा देते हैं जो उस तरीके से नहीं होने दे। जैसे कि कई कॉलेज तो ऐसा बोल देते हैं कि आपका 2 साल के जैसे निकलेंगे उसी टाइम पर आपका 1 लाख का सैलरी लगेगा, जो कि सच नहीं है। इतनी जल्दी आपका इतना सैलरी आप सोचो भी मत कि 2 साल के बाद आपका 1 लाख का सैलरी लग जाएगा। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जाओगे तो आपके पहले मॉड्यूल्स होंगे, आपका मॉड्यूल का मैंने सिस्टम बता दिया कि उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मॉड्यूल्स आपके होंगे, आपका ट्रेनिंग आपका होगा। उसके बाद एज ए टेक्नीशियन आप ज्वाइन करोगे, एकदम से आप AME नहीं बनते हो। जो सैलरी आपको बताई जाती है वो AME की ही बताई जाती है, 80,000 से 1 लाख तक स्टार्टिंग सैलरी होती है AME की। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि कॉलेज से निकलते ही आपको 1 लाख रुपया मिलेगा तो वो गलत है। तो इस चीज़ को समझ लो कि स्टार्टिंग में आपको 18,000 15,000 20,000 25,000 के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप एक लाइसेंस होल्डर AME बन जाते हो और आपके हाथ में एक पावर आ जाती है जिसके लिए आप जो है एयरक्राफ्ट को साइन कर सकते हो, देन आपके पास जो है वो सैलरी पैकेज मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता है, ज़रूर मिलता है, लेकिन आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो पहले खुद को उस फील्ड के लिए प्रिपेयर करें। एंड एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर रहता है कि एक अच्छे कॉलेज से करें। देखिए सिर्फ DGCA का लाइसेंस लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको अगर कॉलेज सपोर्ट कर रहा है आपके अप्रेंटिसशिप के अंदर, आपकी ट्रेनिंग्स को अच्छे तरीके से करवा रहा है, आपके मॉड्यूल्स की स्टडी अच्छे से करवा रहा है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अच्छे कॉलेज से करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप इस फील्ड के अंदर जाना चाहें तो पहले खुद को प्रिपेयर करेंगे, आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, आप फाइनेंशियली अच्छे होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप फाइनेंस की वजह से दिक्कत हो इस फील्ड के अंदर। एंड सिर्फ यार एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की बात ही नहीं है, हर फील्ड, एविएशन सेक्टर के अंदर आपको अगर पायलट बनना तब भी पैसा ज़्यादा लगता है, स्ट्रगल इस फील्ड के अंदर भी है। अगर आपको कैबिन क्रू करना है तो उसके लिए भी पैसा ज़्यादा लगता है एंड स्ट्रगल उस फील्ड के अंदर ही है। एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इस फील्ड के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं वो ही रहेंगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है इस सेक्टर के अंदर और आने वाला है। तो अगर आप इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो तो डेफिनेटली फील्ड बहुत अच्छी है, आप जाओ अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन अपनी पूरी तैयारी के साथ। सो दोस्तों आई होप के आप समझ गए होंगे कि क्यों इस फील्ड को ज़्यादा अंडररेटेड किया जाता है। तो इतनी ज़्यादा अंडररेटेड नहीं है, इंटरेस्टिंग फील्ड है, एडवेंचर वाली फील्ड है, आप इंजॉय करोगे फील्ड के अंदर अगर आप रियली इसके अंदर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सो दोस्तों ये था एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के ऊपर वीडियो। सो दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन जय हिंद।